सत्र में मैं चांद भाई आपको हृदय की गहराई से प्रणाम करता हूं और आज के सत्र को यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। ये थैला इधर लाओ। इस थैले को हम जांचेंगे, देखेंगे। रुक जा भाई, लाओ कहा। देखो कहां कहां इस पर आपने एक आप इस पर कुछ लिख सकते हैं जो घटना हो रही है इसके ऊपर, ठीक है। अभी कॉपी पेन बंद रखेंगे, जब कहेंगे तब लिखना। एक भाई कॉपी पेन को खुला रखेगा, कौन पीछे जो बैठे हैं सुशील भाई जी के पास में, आपके कॉपी पेन चालू रहेगी, बाकी सब कॉपी पेन अब नहीं चलाएंगे। अभी जो घटना हुई है, हमने आते ही मंच को देखा, इसमें कोई वस्तु मिली है, हमने पूछा ये किसकी है, तो दो तीन भाई खड़े हुए, पूछा क्या था, तो खड़े हुए, उन्होंने अपना अपना रिएक्ट किया, ठीक है। आप सोचते जाएंगे, आपने ध्यान पूर्वक देखना है इसको, वजन वजन कितना, ठीक। देखना है, बोलना नहीं, ठीक है। आपको दिख तो रहा है ना,
अभी आप सभी ने कुछ देखा है, आप सभी जितनी वस्तुएं आपने देखी उनमें से कितनी लिख पाते हैं, स्वयं लिखिए, स्वयं जांचना है। और ये 5 मिनट आपको मिलते हैं। दूसरे की देख करके नहीं लिखना है, नकल नहीं करना। जो नहीं लिख पाते हैं वो रेस्ट कर सकते हैं, याद करने का वो स्वयं रिवीजन करें, जचाएं, अरेंजमेंट करें दिमाग में क्या क्या देखा हमने। कॉपी पेन नहीं है, लिखना नहीं आता है, लिख नहीं पा रहे हैं किसी कारण, जितना देखा उतना लिख दिया, देख बढ़िया। जिन्होंने लिख दिया वो हाथ ऊपर करेंगे, जितना देखा तो उतना लिख दिया, कॉपी हमें दे देंगे। यहां रख दीजिए। अच्छा, आप जो कॉपी रख के जा रहे हैं वो काउंटिंग करके कितना लिखा है, कितनी संख्या वस्तुओं की संख्या लिखना है, आपने कितनी वस्तु लिख पाए, और बड़े अक्षरों में लिख करके राउंड कर दो उसको। आप सुनिए मेरी बात, कितनी वस्तु आप लिख पाए, हाँ राउंड कर दीजिए, काउंटिंग करके कितनी लिख पाए आप। तीन मिनट हो चुके हैं, बस अब कॉपी लेके ना आए, बाकी लिखते रहें, आगे कॉपी लेकर के अब नहीं आना, लिखते रहें।
आपको और समय चाहिए लिखने के लिए या काफ़ी है? किस किस को समय और चाहिए? अभी जो लिख नहीं पा रहे हैं लिख लीजिए, ऊपर आज करेंगे जिनको समय और चाहिए। ठीक है, 8-10 हैं तो आपको 2 मिनट और मिलते हैं। नहीं नहीं, अपने पास ही रखना। आपने कितनी वस्तु लिख पाए हैं वो काउंटिंग करके संख्या लिखना है, जितना भी लिख पाए आप। आधा मिनट हो गया है, एक मिनट लगभग हो चुका है। डेढ़ मिनट लगभग हो चुका है। जो लिख चुके हैं वो याद कर लें, बिना देखे जो बता पाएंगे। समय लगभग इस एक्टिविटी का लिखने का पूरा हो गया है। लिखना बंद करें, काउंटिंग करके संख्या लिख दें कितनी वस्तुएं हैं। बहुत ही रोचक है ये। अभी आप बताएंगे भैया, क्या नाम आप? क्रमवीर रविंदर जी, रविंदर जी आप बताएंगे कितनी वस्तुएं आपने लिखी हैं। आप लिख रहे थे साथ साथ 48 थैला लिखा उसमें बैग। कोई बात नहीं, अभी कटिंग नहीं करना है और अब ऐड नहीं करना है। अब आप देखो, कई बार आदमी दूसरों को गिनता रहता है और खुद को नहीं गिनता है, होता कि नहीं होता ऐसे? ठीक है, अब यहां जो कॉपी आई है उनमें से अधिक संख्या, शायद जो कॉपी दी उन्होंने किसकी अधिक से अधिक संख्या, कितनी संख्या आपकी? 9। दूसरे भाई बोले 10 और 24 से ऊपर कोई है क्या? नहीं, यहां जो रखा है 24 से ऊपर कोई है क्या? तो उधर भैया ने कितनी बताई? डबल बताई ना, आधी पकड़ पाए। और सबसे कम कौन लिख पाया? यहां सबसे कम 3 लिखी हुई हैं, दूसरा 4 लिखी हुई है। 3 और 4 से कम कोई है क्या उधर? हाँ जी, आपने कितने जो बता पाए कितनी? ठीक, आप बता कितनी पाते हैं? हाँ, ये नहीं खोलना चाहिए था। बड़े 26, ज्यादा से ज्यादा कौन लिख पाया?
40 से ज्यादा कोई लिख पाया? ठीक। अब इसके बारे में आपने 5 मिनट में कुछ अपने विचार लिखने हैं, 5 मिनट की क्रिया और आपने विचार लिखने अपनी कॉपी पर लिख दीजिए, ये जो अभी तक हुआ इसके बारे में कुछ अपने अपने विचार लिख दीजिए, ये उठा लीजिए। हाँ, एक पेज में ही 5 मिनट में लिखना है जो भी लिख सकते। आप थोड़ा पीछे होके बैठ जाइए, लाइट चेहरा दिखेगा अच्छे से। अपने ऊपर ध्यान दे करके, मन को एकाग्र करके, सोचना है, विचारना है, उन विचारों को आप लिख सकते हैं। जो लिख नहीं पा रहे हैं, सोच भी नहीं पा रहे हैं, वो योग मुद्रा में योग निद्रा ले लेंगे, लेट सकते हैं, कमर को सीधा कर सकते हैं। बढ़िया, जिन्होंने लिख दिया वो मेरे पास ले आइए। ओके, बस और नहीं। बाकी लिखते रहें, अब मेरे को नहीं देना, अपने पास ही रखना।
अब लिखना बंद कर देंगे और ये जो कॉपी जिन्होंने दी हैं वो आकर के अपनी कॉपी लेकर के यहाँ खड़े हो जाएंगे। अपने आप बिना बोले दो रह गए, बैठ। अब अपना पढ़िए शीघ्रता से। इंग्लिश में पढ़ो। हाँ हाँ, जो लिखा। दिस एक्टिविटी हेल्प अस टू एनालाइज आवर मेमोराइजिंग एबिलिटी एंड आई थिंक दिस बैग बिलोंग्स टू आचार्य हिंसन। आगे दो, आगे दीजिए, बैठते जावा। ये सब चीजें रोजाना जरूरत की महत्वपूर्ण और जीवनावश्यक चीजें इमरजेंसी सर्वाइवल किट है जिससे इस्तेमाल करके खुद की और किसी और की मदद की जा सकती है या जान बचाई जा सकती है। हर क्रांतिकारी के पास ये होना जरूरी है। दैनिक जीवन से जुड़ी लगभग सभी जरूरत का सामान इस बैग में मौजूद है। हमें एक समय के अनुसार हर प्रकार की अवस्था में रहते हुए भी सब आसानी से जीवन को जिया जा सकता है। आगे आगे पास हो। जयेश राम का एक साथी समझदार है, वह किसी का बैग नहीं छेड़ेगा और जब तक ट्रैवलिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक उस बैग को हाथ तक नहीं लगाएगा। आप खुल करके आप शेयरिंग पर जैसा आप को भाव उठते हैं ना, ताली बजाना है, हंसना है, कर सकते हैं। यह बैग लावारिस मिला, फिर उसके बारे में पूछा गया कि इसका है तो किसी ने नहीं बताया तो लगा कि बैग लावारिस है, तो उस बैग की तलाशी ली गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। फिर सबके सामने तलाशी ली गई, जब उसके अलग अलग चैन खोल कर सामान निकाला गया तो ऐसा लगा कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं यात्रा पर जा रहा है और कहीं उसको कुछ दिन के लिए रुकना है। फिर उसके पास जो सामान मिला उसमें लगा कि धार्मिक व्यक्ति है। नमस्कार जी, आप बैठ जाओ भैया। इस पे लिखना ज्यादा जा सकता था लेकिन टाइम थोड़ा फंसी दे दिया। यह एक चेकिंग प्रक्रिया है जो अधिकतर पुलिस या आर्मी के द्वारा किया जाता है। इस प्रोसेस को करते समय चीजों की संख्या लिखनी चाहिए होती है, बाद में नहीं लिखी जाती, और तथा कोशिश की जाए इसको प्रोसेस को करते समय इसकी वीडियो भी बनाई जाए। बैग को हाथ से बाहर लेकर जब खोलना था कोई भी अवांछित वस्तु हो सकती थी जैसे बम आ गया। सभी को नमस्ते। आचार्य जी को मंच पर एक बैग मिलता है, उसे लोगों से पूछा जाता है कि कोई नहीं बोलता है कि ये मेरा बैग है। उस बैग को दूसरा एक बंदा बुलाकर उस बैग को क्या सामान चेक किया जाता है बारीक बारीक करके, फिर सामान को उसी बंदे से दोबारा उसी के अंदर डालवा दिया जाता है। लेकिन एक टोपी, एक सामान जो आचार्य जी के सिर पर है वो उसके अंदर नहीं डाला जाता। यह एक अच्छा विचार है। इसमें लिखने के लिए जो आचार्य जी ने कहा है ये हम टीएसएम के साथियों को एक अच्छा सुझाव दिया है। ये सब प्रयास करें जब कहीं यात्रा करें या कोई ऐसा काम करें तो यह लिस्ट बनाएं। कोई रिएक्शन नहीं आया आपका। अगर कोई व्यक्ति सन्यासी या फिर बाहर यात्रा पर गया हुआ तो उसके पास जो भी दैनिक क्रिया की मुख्य मुख्य सामग्री होती है जो ऊपर वर्णित है वो आपके पास आपके बैग में थी। बाहर वातावरण प्रतिकूल होने की भी संभावना हो सकती है, इसलिए पानी की जब जरूरत हो तब कुआं खोदेंगे तो देरी हो जाएगी। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें खाद्य सामग्री, जल और कुछ टेक्निकल सामान, फोन चार्जर आदि व पैसा अपने रखने का प्रयास करें अपने साथ। लेकिन विद्या इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें आपके पास एक स्वाध्याय के लिए पुस्तक दी थी। धन्यवाद। यह बैग किसी ऐसे व्यक्ति का है जो निवास करेगा किसी जगह, पढ़ने की रुचि है, देशभक्ति की रुचि है, स्वदेशी विचारधारा का बीज है, व्यवस्थित व्यक्ति है, किसी की सहायता करने की प्रवृत्ति है।
ठीक, आप रखेंगे अभी पास में आपकी कॉपी, वैसे बोलना है, वैसे बाद में, क्योंकि अभी देखो ना एक संदेश दिया गया कि जिनकी कॉपी है उन्होंने पढ़ना है, तो अभी अगला संदेश मिलेगा फिर आप करेंगे उसका। अभी ये जो विचार थे इनके अतिरिक्त किसी का कोई विचार है विशेष तो उपरांत करेंगे। हाँ हाँ, आपका सबसे बाद में सुनेंगे, आप इस कार्यक्रम का आप निष्कर्ष देंगे मुझे पता है। हाँ जी आइए, जो हो चुका उसको रिपीट नहीं करेंगे। मेरा नाम धीरज है, सबको नमस्कार। अपने सामने इतनी बड़ी एक्टिविटी हुई और हमने किसी की नॉलेज नहीं ली, हमारे सामने सब रियल हुआ लेकिन हमने किसी की नॉलेज नहीं ली, हमने इसको देखा ही नहीं इसी तरह कि कितना क्या पॉइंट है। आपको कुछ समझ आया? क्या समझ में आया कौन बताएगा? आप भैया ने जो बोला किसको क्या समझ में आया, आप बोल चुके। अब आपको कुछ समझ में आया इनकी बात से? जल्दी आइए, रिपीट नहीं करना है जो बताया है उसको, ज्यादा एक्सप्लेन भी नहीं करना है। ये तो सबको बताया आता दिया दी है, कुछ सिखाने के लिए हमें यह बताया गया है, लेकिन ये एक सिर्फ मतलब किसी को पता नहीं है, कहीं पर कोई बैग मिला है किसी का, अनजान के हिसाब से आपको बता रहे सिखाना चाह रहे कुछ, तो इनको कोई मिला है तो इनके भाव देखिए, इनके भाव क्या थे जो इनके लिए उपयोगी चीज थी, तो बड़े मजे में हो रहे थे, खुश हो रहे थे, भैया काम पीछे पागे तो सबसे ज्यादा खुश हो रहे थे, और कोई ऐसी चीज नहीं है तो प्लास्टिक की बोतल एक पास कर दी, इसका प्रयोग बस इतना ही समझ रहे हो, बस ये चीज तो वो चीजें हमें बिहेव बता रहे थे कि हमारा बिहेव कैसा है, हमें कैसे जीवन में करना चाहिए। ओम बढ़िया। अब जो भाई अब तक माइक पर बोले नहीं हैं वो आकर के इसके ऊपर अपने विचार दे सकते हैं एक मिनट में। जो अब तक बोले नहीं है माइक पर, जब से अपनी ट्रेनिंग शुरू हुई है तब से बोलने का नंबर नहीं आया, फिर मत कहना भाई। साथियों नमस्कार, देखो मुझे तो ये दूसरा मौका चलती से सीखने का मिल रहा है, क्योंकि फरीदाबाद में युवा भारत संकल में हजारों युवाओं को उन्होंने ट्रेनिंग दी थी, मैं आजादी से उसकी व्याख्या नहीं करना, इस प्रक्रिया में ना एक मकसद या मतलब नहीं है, क्योंकि हमें आंदोलन और संगठन के लिए तैयार किया जा रहा है, एक व्यवस्था को बदलने और उसका निर्माण करने के लिए हमें तैयार किया जा रहा है, तो इस प्रक्रिया में एक ही बात के कई अलग अलग मतलब हो सकते हैं। बढ़िया। हाँ जी, आप नहीं बोले अभी तक, आइए आगे आते जाएंगे जो नहीं बोले अभी तक और बोलना चाहते हैं इस सब्जेक्ट पर। सभी को नमस्कार, आगे बैठ जाएंगे। नमस्कार, थैंक यू। जैसा कि शॉर्ट एंड स्वीट, देखिए ये जो एक्टिविटी थी हर एक जिसका जो जैसे भी ब्लास्ट में ट्रेनिंग करा दी उस लॉजिक के हिसाब से सबका अपना अपना व्यू होता है। बैठ जाइए। इसमें मेरा भी निकल के ये आया कि मैं एजुकेशन से हूं, तो मैंने ये देखा कि जिसने ये जो चीजें नोट की, जिसने ज्यादा नोट की और टू द पॉइंट नोट की, इसका मतलब उसका विजुअल स्ट्रॉन्ग है, वो हर चीज को बारीकी से देखता है, और उससे हम जो ये 8.5 दिए थे इनमें से 1 पॉइंट से कुछ हद तक अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंसान जिसने ये चीजें नोट की हैं तो कैसा हो। थैंक यू। बैग में जो सामान मिला है उसमें कुछ वस्तुएं ऐसी दिखी जैसे कोई टूल है, वो टूल सुरक्षा की दृष्टि से उपयोगी हो सकता है,
और निष्कर्ष ये है कि ये बेग किसी क्रांतिकारी या फिर किसी खुफिया तंत्र के आदमी का है जो कोई गुप्त सूचना देने या लेने के लिए निकला है अपने घर से संगठन के प्रति, और जो बैटरी का उसमें तीन प्रकार का लाइट बताया गया है वो अपनी दिशा दशा और स्थिति लोकेशन आदि बताने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। सभी भाइयों को राम राम। बैग में जो वस्तुएं थी उसके हिसाब से देखा जाए तो ये किसी इलेक्ट्रिशियन का बैग है जो पहलवानी नहीं करता है, तो जो भी साथी इलेक्ट्रिशियन हो और पहलवानी करता हो तो अपना बैग ले सकता है। सभी साथियों को इससे एक्चुअली से हमें शिक्षा मिलती कि हम सब यहाँ कितने लापरवाह हैं, एकाग्र कर रही है, कॉपी आ चुकी है उसका, वैसे लिखा हुआ गया है, बाद में बता दूंगा मैं, क्या कर यही मर जाओ, किसी को कुछ भी ध्यान नहीं है, ठीक से कितने आइटम हैं क्या, मैंने ये कर साता है कि हमें सब कितने लापरवाह कोई कुछ भी रख जाता, बम विस्फोट ब्लास्ट कुछ ये सब काम कर रही है, कोई भी हमारे लापरवाह सारा ज्यादा के मान सही समझ आ गया। सभी भाइयों बहनों को नमस्ते। ये शुरू में जब ये एक्टिविटी शुरू हुई तो चार बार विचार बदले मेरे इसमें। सबसे पहले जब आचार्य जी ने कहा कि भैया बैग किसका रखा है तो कोई बोला नहीं, तो मुझे लगा कि कोई ये बैग लावारिस है यहाँ, लेकिन जब आचार्य जी ने बैग मंगाया बोले हम इसको चेक करते हैं, तो मेरे पर विचार आया कि आचार्य जी को संदेश देना चाहते हैं कि संगठनात्मक कार्रवाई चलेगी तो उसमें इस तरह की कोई रख सकता है इस तरह के बैंड वगैरह, तो हमको सावधान रहना चाहिए। लेकिन जब उन्होंने उसको खोलना शुरू किया और सामान निकालते वक्त उनकी जो एक्टिविटी हो रही थी, तो जब दो बार उसमें पैसे निकले तो मेरे दिमाग में आया कि आचार्य जी बात आचार्य जी का मैंने सामान से दे दिया था, आज बैंड नहीं कहा, लेकिन शायद बाद में ये पूछेंगे कि ये जो बैग जिसके हाथ में लगा पहले उसने कंफर्म कर लिया कि बैग का इसका कोई मालिक नहीं है, इसलिए बैग को अपने मार दो, और जब उसमें पैसे निकले तो उनकी एक्टिविटी कुछ इस तरह की थी कि बैग किसी चोर के हाथ में लगा है, पूछे कि बैग जो हाथ में लगा है ये जिसमें लिया है वो खोल रहा है वो किसका, वो कौन कौन व्यक्ति है। एक बाद में जब उन्होंने प्रश्न किया वो किया कि इसमें सामान बताओ, तो इसमें चार बार जो है इतना कंफ्यूजन और बार बार जो है उनकी एक्टिविटी, तो वो ये सारी चीजें जो है उसमें कई बार दिमाग से जो है कई चीजें बार बार डिसीजन बदल दे रहे। सभी भाइयों को नमस्कार। मैं राहुल पांडे जनता सरकार मोर्चा से चंडीगढ़ से। आचार्य जी ने जो बैग हम लोग को दिखाया इस दौरान हमें ये समझ में आया कि जो भी सामान इसमें से निकला हर एक क्रांतिकारी को अपने बैग में ये रखना चाहिए, ये किट के तौर पे मतलब यूज किया जा सकता है। सभी साथी को नमस्कार। देखो इस बैग को लेकर सभी की अलग अलग प्रतिक्रिया है, लेकिन मेरा जो मानना है मुझे ऐसा लगा कि आचार्य जी जो है इस बैग को दिखाकर हम लोगों का टेस्ट ले रहे हैं कि अगर ऐसी हमें कोई लावारिस वस्तु मिलती है तो हमारी क्या प्रतिक्रिया होगी, या हमारे संगठन में ऐसा कोई वस्तु अगर छोड़ के चला जाता है तो हम उसको क्या प्रतिक्रिया दे सकते हैं, कि जैसे संगठन में कोई असामाजिक तत्व आके कोई चीज रख गया तो हम उसमें क्या रिएक्शन लेंगे। जैसे उस दिन भी आचार्य जी ने हमारा टेस्ट लिया था चले गए साफ निकल आया, तो उनकी जो प्रतिक्रिया मुझे लगी कि पहले उन्होंने एक एक चीज़ को बारीकी से देखा और देखने के बाद वापस उसी में डाल दिया, तो इसमें दो अगर मतलब दोनों ही विचार से निकल के आते हैं कि अगर नियत का अगर साफ नहीं होता तो इस बैग को कोई वापस करेगा नहीं, अगर नियत का कोई साफ व्यक्ति है तो इस बैग को सामान के आधार पर उस व्यक्ति का पता लगाकर उसको वापस भी किया जा सकता है।
तो मेरा ये वादा आपके अप्रूव हो जाए। आप में से किसी ने एक मैंने कार्ड दिखाया था उसमें विजिटिंग कार्ड किसी ने लिखा अपनी कॉपी में बड़ी नमस्ते साथियों जब मैं हॉल में आया तो आचार्य जी बैक पॉकेट के दिखा रहे थे उसमें वस्तु निकल रही थी तो मुझे पहले नहीं पता क्या आचार्य जी बोल रहा है। इस सारे मतलब इतने टाइम में जो आचार्य जी ने किया है उससे तो मुझे यही प्रेरणा मिली है कि मतलब सारे साथी जो अपना एक खेल खेल में आचार्य जी ये बोल रहे हैं जो साथी नहीं बोल रहा है मंच पे आके यहाँ बोल के मतलब दिखाए ये थोड़ा सा एक एक्टिविटी के द्वारा मतलब आपको वो कर रहे हैं प्रमोट कर रहे हैं भी कैसे मंच पे आके बोल रहे हैं कैसे कर रहे हैं मुझे तो ये चीज़ सभी को वंदे मातरम। अपना नाम बोल देंगे। मैं अमरिंदर गर्ग अम्बाड़ा से। जैसे आचार्य जी ने बैग उठाया पूछा कि ये किसका बैग है पहले तो थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि अपने किसी साथी का होगा भी यहाँ पे क्यों रखा है लेकिन जैसे आचार्य जी ने पूछा तो किसी ने नहीं बोला लेकिन जैसे आचार्य जी वहाँ उठा के ले गए और चीजें उसमें से निकल रहे पहले तो मन में आया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मतलब किसी का सामान ये क्यों मतलब वो कर रहे हैं लेकिन जैसे इनकी सिप्टी निकली उन्होंने ध्यान दिया कि आचार्य जी का बैग है। बाकी ये जो उन्होंने सामान दिखाया उसमें तो वो हर साथी के पास होना चाहिए टूर किट मान लो या कहीं हमें बाहर जाना है किसी यात्रा में जाना है या मतलब कहीं भी हमें ऐसी गतिविधि करनी है क्रांतिकारी गतिविधि तो उसके लिए हमारे पास ये वस्तुएं होनी चाहिए। धन्यवाद। ठीक एक जब ये पूछा गया कि बैग किसका है तो कोई साथी ये भी बोल सकता था कि ये उदय भाई लेके आए थे ये बैग नहीं बोला। ये पहली कमी कि अगर स्टेज तक कोई वस्तु हमारे स्टेज पर पहुंच रही है तो आंदोलन में जब कोई आंदोलन वगैरह या कोई संघर्ष कर रहे हैं उस दौरान हमारे स्टेज पर क्या क्या इलीगल चीजें पहुंच सकती हैं और किस प्रकार उस आंदोलन को बदनाम किया जा सकता है इसके ऊपर किसी साथी ने ध्यान नहीं दिया। दूसरी बात आचार्य जी ने जो आप सब साथियों ने बताई कि क्या क्या यहाँ पर हुआ है ये जरूरत का सामान है किसका हो सकता था किसका नहीं हमारे इधर भाई ने बोला कि वैसे भी देखते हम समझ गए थे आचार्य जी का है। दूसरा इसमें निरीक्षण था कि हम अब जो हमारे साथी हैं वो इस बैग को लेकर प्रतिक्रिया क्या क्या देते हैं तो जो एक साथी ने बोला है कि किसी इलेक्ट्रीशियन का बैग है उस साथी को कितना गंभीर है इस विषय को लेकर जो पिछले 4-5 दिन में जो यहाँ पर हुआ है उसने ऑब्जर्व क्या किया है आपको किसी को लगता है ये इलेक्ट्रीशियन का बैग हो सकता था। हाँ, आप ध्यान ये रखेंगे जिस भाई ने कुछ बोला है उस पर आपने प्रतिक्रिया से बचना चाहिए आप अपने व्यू दीजिए। तो इसमें यही था कि हमारे स्टेज पर अगर कोई वस्तु कोई चीज पहुंच रही है तो उसका विशेष ध्यान रखा जाए कि ताकि हम इतने अवेयर रहे फ्रंट लाइन बनने जा रहे हो फ्रंट लाइन सेकंड लाइन रहेंगे तो फ्रंट लाइन और सेकंड लाइन का ये ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास क्या क्या इलीगल चीजें आ रही हैं और वो स्टेज तक कैसे पहुंच रही है मेरा इसी करे। एक मिनट आप में से किन किन भाइयों का आंदोलन में सक्रियता से भाग लेने का अनुभव है एक्सपीरियंस है उपरांत करेंगे और उनमें से कौन कौन भाई अभी तक मंच पर नहीं आए हैं बोले नहीं दिलाराम जी वैसे बोल तो चुके हैं आप अजी जो अभी तक मंच पर बोले नहीं है राम राम भाई सारे में जय सही देखो मत तो खेल होगी इतना नंबर पर राम राम भाई सारे में
तब तक दूसरे से कंट्रोल। बायो थी मैं तो एक अपना शुरू में आया था ठीक है शुरू में या फिर यो है गोली कर दी ठीक और ये तो अपने आदमी बैग ले अपने लड़की से देख ली तो मेरे ख्याल से ही लोड़े को ठीक है रही दूसरी बात है देसी जेकर हम आए थे तो जो थोड़ी ना के जुई होगी थी ब्रदर दूसरे वाले माइक पर चेप दूसरे वाले माइक पर चेप ठीक है नहीं तो इसे बात में छोटा चुटकुला भी सुना दूं बारे में बेटे वगैरह में नहीं कर पाली रोटी राटी खा के सोने की तैयारी कर ली दरवाजा में खाट होया कर दी बड़ दो यार दी पाछे से बैठ जी आ कर दी दीवा तो है चौधरी ही पर मजा ना आप उम्र प्रदेश जरा सोच चौधरी मिला अगले सो जा तो दी करी नहीं हुआ छोड़ पछाना पहले तो उसकी बना कर दे दमन की उल्टा बैठे हो गया बोला के बात सोया कौन देखे बोला ना बोला क्या था बोला छोड़ मग तो चंदना दिखे जाडा लगा करे इतने बोला अच्छा अच्छा साका सीढ़िया दूसरी छोड़ भी नहीं अरे यू बैठे हो गया बोला ठीक है भी तुम्हें करे करके और उठ के देख आहो थी कंधे उड़ दी थी फूक मार दी बोला दिखे चंदना बोला ना बोला सोचे भी ओके ठीक धन्यवाद। नमस्कार साथियों, मेरा नाम प्रदीप जिंदल, मैं पानीपत से हूँ और मेरा रविंद्र भारते की बात से सहमत हूँ। मेन मकसद यही था कि बैग स्टेज तक आया तो कल को हमारा जब आंदोलन शुरू होगा तो उस समय आंदोलन को बदनाम करने के लिए या आतंकवादी घोषित करने के लिए कुछ भी करने के लिए जैसे किसान आंदोलन में माओवादी आतंकवादी फलानावादी ढिमकानावादी घोषित करने की कोशिश करी थी तो हम लोगों को भी आतंकवादी माओवादी और पता नहीं कौन से वादी बनाने की कोशिश की जाएगी तो हम लोगों को इसकी तरफ ध्यान रखना चाहिए कि भी कोई भी चीज़ चाहे वो आपत्तिजनक है या ना आपत्तिजनक है वो किस सोर्स से आ रही है इसकी तरफ हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मेन संदेश यही था इसके प्रति और बाकी जाते जाते आपको एक शेर सुना देता हूँ तो मैं गुजारिश करूँगा कि आप लोग मेरे साथ बोलना दो ही लाइन है बस संक्षेप में। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, जोर से बोलो अच्छी तरीके से। तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो आ गया जमीन पर, अगर कहीं है स्वर्ग तो आ गया जमीन पर। जनता सरकार मोर्चा से बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है, स्वर्ग यहां बैठा है। बढ़िया। लास्ट अभी इस आराम से सभी भाइयों मेरा राम राम और हरियाणी भाषा में थोड़ा बोलना पड़ता है क्योंकि अब हरियाणा में खड़े हैं। संक्षेप में जी संक्षेप में बोलूँगा अभी उत्तर प्रदेश में आज से एक वर्ष पहले लगभग एक वर्ष नहीं 14 महीने हो चुके होंगे उत्तर प्रदेश SI भर्ती हुई थी दरोगा भर्ती वहाँ हो गया बहुत बड़ा घोटाला बहुत उच्च लेवल का घोटाला। मेरा जो बड़ा भाई है वो कंपटीशन की तैयारी करता रहता मैंने कभी नहीं की उसने इतनी मेहनत की थी कि उसके इतने हाई उसमें बन रहे थे नंबर जो हैं उसको पूरी उम्मीद थी कि मेरा नंबर आ गया जैसे उसकी आंसर किया ही उसने ठान लिया भाई मेरा नंबर तो आ गया बेचारा बड़ा खुश मेरा बड़ा भाई जो है अब नंबर नहीं आया उसका जो बाद में हुआ क्या लखनऊ में इको गार्डन स्थान है वहाँ पर हो गया आंदोलन शुरू यूट्यूब पर डेली देखते रहते थे हम लोग जो हैं अब उसके बाद जब डेली ट्विटर कैंपेन होता था ट्विटर कैंपेन में जब बच्चों ने जो है सभी जो टीचर्स थे जिन्होंने सबको UPSI की एग्जाम की तैयारी कराई थी सबको ट्रोल करना शुरू कर दिया पूरा माहौल बहुत तंगड़ा बन गया तो टीचर्स के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ तो हमारा एक चैनल है एग्जाम पर विवेक सर उन्होंने वहाँ से घोषणा की कि मैं फलानी फलानी डेट को और लखनऊ पहुँचूँगा और हम बहुत बड़े तरीके से आंदोलन करेंगे। अब एक और वहाँ से आवाज़ उठाई जा रही थी डेली संक्षेप में बताऊँगा बहुत आवाज़ उठाई जा रही थी कि आप खुद ना पाएँ अपने घर में से किसी को भेज दें। अब घरवाले बोले दिगंबर ये इस लायक तो यही जा सकता है मेरे भैया मैं तैयार हो गया मैं निकल गया रात को लखनऊ के लिए जो है वहाँ पहुँच गए। अब मैं बस संक्षेप में ये बताना चाहूँगा कि आंदोलन में ऐसा क्या होता है कि गवर्नमेंट या फिर विरोधी तत्व आपको प्रभावित करने का आपको हताश करने का आपको एक हराने की स्टेज तक ले आने का प्रयास करते हैं मैंने पहली बार वहाँ देखा था
पहले दिन से हुआ क्या कि जब वहाँ विवेक सर पहुंचे और बहुत बड़े लगभग 4-5 हज़ार स्टूडेंट इकट्ठे हुए, तो वहाँ पर कहानी नहीं भैया, आप इस थोड़ा सा बोल इस विषय में बोलिए जी, जी एक दो वाक्य बस आ बस पॉइंट पे जा रहा हूँ। लखनऊ के DGC महोदय थे, वो वहाँ पे आए, बोले आप में लीडर कौन है, लीडर वाली बात। तो विवेक सर बोले मैं यहाँ आंदोलन के लिए आया हूँ लेकिन मैं स्पेसिफिक नहीं हूँ, आप सब लीडर हैं। तो 5 बच्चों के नाम दिए गए कि साहब ये बात करेंगे कहीं करनी है, तो वो नाम लेके ले गया। अगले दिन सबके घर पुलिस पहुंच गई उनके उनके थाने से जो है, और उनको इतना तंगड़ा प्रेशराइज किया गया घर से जो है, उनके परिवार वालों को कि वहाँ कुछ भी होता है आपके बच्चे की ज़िंदगी ख़राब कर दी जाएगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, उन 5ों की ये हालत के अगले दिन से हाथ जोड़ने लगे भैया ये ना हो जाए वो ना हो जाए। मतलब वो आंदोलन में जो भी एक बात हो गई। दूसरी ये कि वहाँ मैंने डेली देखा कि सरकार की एक LIU टीम होती है, वो LIU टीम के बंदे हम जैसे लोगों की तरह ही वहाँ बन के हमारे बीच में आके बैठ जाते हैं। हम कोई भी वहाँ अपना कोई कदम उठाने की सोचते हैं, सारी डिटेल उनके पास पहले से हो जाती है। हमने जो है वहाँ पे बाद में सचिवालय सॉरी विधानसभा घेरने का जो है अपना पूरी योजना की विधानसभा को घेरा भी, लेकिन हमारी जो योजनाएं को जिस तरीके से फेल किया गया क्योंकि कोई एक्सपीरियंस नहीं था, वहाँ सब लोग नए थे क्योंकि पढ़ाई की है कोई आंदोलन का, ये तो नहीं आंदोलन करना है करना है, वो पहला एक्सपीरियंस था। तो जो भी हम वहाँ से फेल हुए वो एक्सपीरियंस मैंने वहाँ से लिया है। तो बस यही था, कुछ इम्पोर्टेंट तथ्य आपके सामने रखने थे और मुझे कोई भाषण देना नहीं था। नमस्कार। एक मिनट, समय बहुत कम है, थोड़ा सा ले। आप पहले बोले नहीं है? नहीं पहले नहीं। सभी JSM के साथियों को नमस्कार, मेरा नाम सचिन चौधरी, गाजियाबाद UP। देखिए ये जो 5-6 दिन की ट्रेनिंग हुई है ये दर्शाता है कि आपने अच्छे से ट्रेनिंग नहीं ली। अगर आप आंदोलन के लिए आगे जाएंगे अपना तो जिस तरह से ये एक्टिविटी हुई है ना, आचार्य जी ने बैग रखा है, जैसे भी यहाँ पर बैग आया, तो ये अगर बैग आपके आंदोलन में पहुँचा किसी भी तरह से आपको बदनाम भी किया जा सकता है, इसमें बम भी रखा जा सकता है। तो पहले आप अपनी सेफ्टी करोगे, जब आप अपनी सेफ्टी नहीं कर पा रहे तो आप कैसे आंदोलन करोगे? तो इस पर भी थोड़ा विचार किया जाए, ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। अब हमारे बीच में शुरू में जो हाथ उठाया था सुशील भाई जी का था। नहीं 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 भैया, नहीं एक बार आगे आ जाओ भैया, भैया मैं बुला रहा हूँ ना आपको। आप वो जो था उसका समय का अभाव था, आपके लिए समय का अभाव नहीं है, आप खुल करके बात को आराम से सहज होकर के बताएंगे ढंग से। आचार्य जी निष्कर्ष तो बताओगे, बाकी साथी मैं तो बुलाना देना आया हूँ। आपने इस बैग में कई 4-5 महत्वपूर्ण चीज गायब है। नंबर एक, ना तो चुरमा का भोरा पाया इसमें, ना कड़े लाड्डू पाए, ना कड़े खोआ पाया, कुछ नहीं पाया। हमने नू बेरा यू बैग आपका, आप बिना लाड्डू चलते को निकले समाज में उनका तो लो पड़े हमें। हाँ जी, लास्ट शेयरिंग। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। साथियों नमस्कार, नमस्कार। साथियों मैं रणधीर चहल, गांव भोंगरा, जिला जींद, हरियाणा से बिलोंग करता हूं। और जैसा कि आचार्य जी ने ये बैग दिखाया और पूछा और हर एक सामान निकाल निकाल कर दिखाया, इनका दिखाने का भावार्थ ये था भाई आप लोग सभी जो टीम है जनता सरकार मोर्चा के साथी हैं, कभी भी धरना प्रदर्शन विरोध कहीं भी करना पड़ सकता है, कहीं भी इकट्ठा हमारे को होना पड़ सकता है। इसके लिए जो इसमें ज़रूरी टूल दिखाया गया है भाई ये सामान जरूरी हमारे लिए, जहाँ भी जाना है तो सारा सामान बैग में होना चाहिए ऑलरेडी। 2 दिन भी लग जाए, 10 दिन भी लग जाए, बिना भी लग जाए, साल भी लग जाए भाई। तो यही था इसका भावार्थ दिखाने का बैग का। भाई सभी साथी इस बात के ऊपर विचार करें भाई, देखें भाई सामान क्या क्या जरूरत पड़ सकती है हमारे को। धन्यवाद साथियों। बढ़िया। अब लगभग शेयरिंग पूरी हो गई आप लोगों की, आपके अनुमति हो तो हम चले आगे, बोर तो नहीं हो गए? बोले जरते नहीं मैं।
ओके। तो साथियों ये जो एक्टिविटी है इसमें एक एक वस्तु जो हमने देखी, ठीक है, तो मैं पूछता हूं, कल एक बात आई थी, दो और दो कितने होते हैं, किसी ने कहा 22, किसी ने कहा 4, इसके अतिरिक्त किसी का उत्तर है तो बोलेंगे और उपराध करेंगे वो भी। दो और दो कितने होते हैं, सुनील भाई जी बोलेंगे। ओके, अब देखिए मार्कर, ये 2+2 बराबर क्या लिखूं, क्या 4, आप ऐसे समय में बोलेंगे जिससे कि आपकी बात सुनी जा सके, सब बोल रहे हैं उस समय आपका कोई महत्व नहीं बोलना। दो और दो क्या, ये केवल क्या है, संख्या है और कुछ नहीं है, ये केवल। एक होता है शब्द, क्या होता है जी, एक होता है उसका अर्थ, ठीक है, शब्द है उसका अर्थ है, लेकिन एक चीज और होती है, वो कौन बताएगा, उपराध करने का एक नियम है, अस्तित्व, आपने बोला अस्तित्व, आपने बोला विचार, भावार्थ, मुहावरा, हाँ भैया आप भी कुछ बोल रहे थे, मनु जी, ओके, शब्द अर्थ वास्तविकता, शब्द अर्थ वास्तविकता, शब्द बोल दिया पानी, पानी का अर्थ आपने लगाया, कोई पीने की वस्तु है, पानी नहीं है, प्यास बुझ जाएगी, पीने की वस्तु है अर्थ तो ले लिया आपने, लेकिन पानी नहीं है, वस्तु नहीं है वहां पर, आपकी प्यास बुझ जाएगी, नहीं बुझेगी। तो दो और दो चार, जब तक आप वस्तु नहीं पहचाने, क्या 4, यही फंडा चल रहा है, और ये कितना समझाया है भाई, अंक लगाते जाओ, बैंक में जमा करवाते जाओ, डिजिट दिया जा रहा है, वस्तु गायब है, अच्छा ये बताओ इस दो दो यहां लिख दो 50 अरब जमा 50 अरब और लिए घूमते रहो कॉपी में लिखे रखो भाई आपके अकाउंट में इतने, फोन में दिखाते रहो, ट्रांसफर करते रहो, करवाते रहो, आपके पास क्या, इसको ज्यादा नहीं बोलेंगे, इतने से ही, बहुत कुछ, बहुत लंबा विषय है, वो मेरा विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है, डॉक्टर साहब और आपने पता ही है जो मास्टर हैं जो दहाड़ रहे थे यहाँ पर, ठीक है, आदरणीय वर्मा जी, उन्होंने आपको सबको समझाया। तो
ये जो एक्टिविटी थी इसको जो करवाने का अभिप्राय है इसी के ऊपर आपकी एक संगठन का कार्यकर्ता, एक आंदोलनकारी, एक समाज के लिए समर्पण भाव से अपने घर बार को छोड़ करके सिर पर कफन बांध करके निकला हुआ, जिसके दिमाग के अंदर पूरे राष्ट्र के लिए ही नहीं पूरे विश्व के लिए पूरी कायनात के लिए एक बहुत बड़ा विचार कौन रहा है, और उसकी सफलता के लिए उसके अचीवमेंट के लिए वो निकल चुका है डंडा झंडा लेकर के, ठीक है। अब इसमें कुछ वस्तुएं आपने देखी उनका आप विवाह कर लीजिए, कुछ औषधियां थी, कुछ वस्त्र थे, कुछ यंत्र थे, ऐसे आप बोलिए। अब और क्या क्या था बोलते जाइए। ओके भाई जी ने, सुशील भाई जी ने क्या कहा था, खाने पीने की वस्तुएं हैं, खाने पीने की वस्तुएं हैं, प्रतीकात्मक दिखाया जाएगा। अब मैं कहां से लाडू बनवा के लाऊं भाई, अब मैं तो यहीं था आपके बीच में। ओके बन जाएंगे कोई बात। अब देखिए आप जो समझ में आना चाहिए या मेरे जो समझ में आया है उसकी शेयरिंग में कहीं कोई वो रहे गैप रहे तो आप बोल सकते हैं। इसके साथ साथ डंडा है, छाता है, ठीक है, पगड़ी है, पर्स है, मनी है कि नहीं, वो भी कहाँ कहाँ, एक स्थान पर नहीं है, अलग अलग स्थानों पर है, मोबाइल है, चार्जर है, पावर बैंक है, ठीक है, कान में लगा करके सुन सकते हैं, फिर लंबे समय तक रहना पड़े तो फिर इस थैले के आधार पर बहुत लंबे समय तक डटा रह सकता है योद्धा। लेकिन अगर विचार नहीं है, क्या और सामान का ट्रक भरे फिर रहा है और विचार है, जज्बा है, उत्साह है, जोश है, समझ है, विवेक है, समझ है पूरी, तो जो दूसरे माल लिए बैठे हैं उनका थैला आपके हाथ में आ सकता है, आ सकता है कि नहीं आ सकता। पूरी ट्रेनिंग का ये बहुत बड़ा पार्ट है, आंदोलन के लिए भी कार्यकर्ता है, नेतृत्व है, आंदोलनकारी है, घर से बाहर निकलता है तो नींबू भी है, वो आपके जो है ना बाम भी है, आपके कोई औषधि है, आपकी रस्सी है, चाकू है, लाठी है, छाता है, पानी की बौछार आ रही है तो एक बड़ा पॉलोथीन भी है, रात को सोने के काम आ सकता है, वर्षा बूंदाबांदी चल रही है तो छाता भी है, खोद मारनी पड़े तो पैना भी घिस करके कर रखा आगे से, रोक भी नहीं सकते हैं इसको, प्लास पेचकस भी है किसी का कान मरोड़ना पड़े, कोई तार तूर है, इलेक्ट्रिक वायर है उसके साथ सामना करना पड़ जाए, पानी है वहां पर भरा हुआ, ऊपर से तार गिर गया, कैसे कहां से कट मारोगे जा करके, नहीं तो सबके प्राण जाएंगे वहां पर। क्या क्या नहीं है इसमें, क्या क्या आप कितना इसका विस्तार कर सकते हैं, कितना विस्तार कर सकते हैं, जितना मर्जी आप विस्तार कर सकते हैं। एक एक वस्तु का फिर हम प्रयोग करके दिखाते हैं, उसके लिए समय नहीं है। तो इसमें जैसे कि बड़ी चादर है, ये चादर है, अब इसको बिछा लीजिए, ओढ़ लीजिए, ठीक है। अच्छा चलो मैं क्यों बताऊं, आप बताओ इसका और क्या प्रयोग हो सकता है, बांध लीजिए, सिर के बांध लीजिए, हैं, सामान बांध करके ले लीजिए, मानस ने बांध के जुड़ के गिर सके,
पट्टी के लिए काम आ सकती है, प्राथमिक चिकित्सा के लिए। एक बार बहुत बढ़िया, यानी कि आप समझ गए। देखिए, अब कोई साथी आंदोलन के अंदर मान लीजिए पानी की बौछार से तितर बितर करना चाहते हैं, और वो जिसके लगती है ना बौछार बावड़ा बना देती है, आंसू गैस है, उसको फेंक दिया और वो जब श्वास लेना बंद और ऐसी जलन होती है ना भयंकर, तो बेके लगा लो, नीचे लग छिपक जाओ, ठीक है। पानी की बौछार आ रही है, कान में पानी लग गया तो कान का पर्दा गया, बांध लो, और छाता काम आ रहा है, बूंदाबांदी हो रही है, धूप तेज है, टेंट सामाना कम पड़ गया है, बैठे हैं धूप में, ठीक है, बूंदाबांदी हो रही तो हिल नहीं रहे हैं, तान दिया छाता, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं ऐसी, रस्सी है, एक रस्सी के उपयोग इतने हैं आप सोच नहीं सकते, ठीक है। तो अब एक संकेत मात्र ही है ये, इसमें ये ध्वज है, आपने ये ध्यान रखना है, ध्वज संगठन का, किसी भी संस्था का, किसी भी संगठन का, किसी भी राष्ट्र का, उसकी भावनाओं का प्रतीक होता है, तो उसका उसका जो है जो मर्यादा है उसको बनाए रखना होता है। ऐसे ही संगठन का जो लोगो है वो आपको जो आपने छाती पर धारण किया है इसको आप छोटा मत मान लीजिए, आप पूरा संगठन चल रहा है, आप अपने आप में एक संगठन चल रहे हैं, आप एक संगठन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये इस डंडे के कितने उपयोग हैं, बहुत सारे उपयोग हैं, बिना लाइसेंस के जो है हथियार है, कोई लाइसेंस नहीं, गोली खत्म नहीं होती इसकी, ठीक है, हर समय साथ रख सकते हैं, और क्या क्या नहीं है वो आप सब तो बहुत ज्यादा आगे हैं, एडवांस हैं, हम तो सोच नहीं सकते, वहां हमारा सोचना जहां से शुरू होता है वहां तो आप खत्म कर देते हैं उस बात को, इतनी बुद्धि, परिष्कृत बुद्धि के व्यक्ति आप हैं, हम देख रहे हैं, हम हैं मतलब इस संगठन में हैं, हम का मतलब समझ रहे हो, हाँ कभी सोच तो यारों में फेंक रहा है, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति बेहोश होकर के गिर गया, आपने लेके जाना है, तो हमने मैदान में बताया था उसको उठाने का एक दो तरीके तो बताए थे, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन किसी को चोट ज्यादा लगी हुई है, चल भी नहीं सकता, उसको वैसे उठा नहीं सकते, ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको प्राथमिक चिकित्सा दे दिया है, तो ऐसे कोई चद्दर है और कुछ है तो हम उससे स्ट्रेचर बना सकते हैं, समझे, दो लाठियों के साथ बना सकते हैं, दो चद्दर से मिला सकते हैं, ठीक है। तो उसमें करना क्या है, आपने चद्दर के ऊपर से ऐसे बिछाया, ये बेडशीट थोड़ी सी चौड़ी होती है, ठीक है, तो ये ऐसे टावल हैं तो दो तीन टावल लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे दोनों लाठी ऊपर रखेंगे, ऊपर रखा, ऐसे इधर से इसको दबा दिया, ऐसे ऊपर से, और इसको ऊपर से इधर डाल दिया, ऐसे डाल देंगे, ठीक है, इसको ज़्यादा लपेटने की जरूरत नहीं है, इसके बीच में हम लेटाएंगे तो क्या होगा, आराम से ले जा सकते हैं, एक टावल और लगा देंगे तो और अच्छा हो जाएगा, पढ़ना है तो वो लगा देंगे, लाइए जल्दी से भाई, एक तो काम कर ही देते हैं,
पर्णा है ना, पर्णा आपके पास, दो पर्णे लगा दीजिए किधर एक किधर, आपने देखा है लाठी के नीचे डाल करके। आ जाइए भाई और एकाध भाई। अब आप में डॉक्टर कौन कौन है, चिकित्सक हैं, प्राथमिक चिकित्सा का जो लिया हुआ है, जिनको जो कृत्रिम श्वास दिया जाता है उसकी नॉलेज है, कृत्रिम श्वास देने की नॉलेज है जिसको, बस अब आप इस पर लेट जाइए, वो उठाकर कैसे लेटाना है वो लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। दोनों हाथों के ऐसे रखेंगे, दो भाई आ जाएंगे, उठा लीजिए, आपने मुंह उधर करना, दोनों ने आमने सामने मुंह कर लिया, देखो ये प्रैक्टिकल जब तक नहीं करेंगे तो ये दोनों ने भाई आपको कैसा महसूस हो रहा है, कोई कहीं कोई तकलीफ नहीं, कहीं दबाव प्रेशर कुछ नहीं, कितना रिलैक्स है। और वैसे क्या करते हैं आमतौर पर, आराम से लेट आइए आप, मान लीजिए ये नहीं है, आपने दोनों ने ऐसे इसको उठा के ले जाना, कैसे उठा के ले जाएंगे, हाँ नहीं नहीं ये तो पड़ा है भाई, ये तो अपने आप उठ रहा है, रुक, हाँ दोनों उठाना है, पता नहीं क्या करना है, करते रहो क्या करोगे, उठा लो बस, अगर ट्रेनिंग नहीं ली है तो कंफ्यूज रहेंगे ना, कोई टांग अब मान लीजिए ने ऐसे उठा लिया और इसके यहीं पर तो चोट है बैकबोन पे, तो यहीं चोट है तो ऐसे तो दर्द इसको ज्यादा राग मारेगा ये बुरी तरह से, आपके ब्लीडिंग हो रही है पैर से और वो आपने नीचे लटका दिए तो और जल्दी मार दोगे नहीं मरेगा तो भी मार के आएंगे, बहुत सारी बातें होती हैं ऐसे, ये आपने खुद देखना, तो ये ट्रेनिंग का पार्ट है, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। मान लीजिए हाथ टूट गया, ठीक है, तो क्या करेंगे, अब बैक में कहीं लगा है तो आप ये ध्यान दें, नीचे अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जिसको आप रख सकते हैं जिससे कमर में यहाँ सीधा रह सके बैकबोन, तो उसमें आप अखबार 5-7 है वो रख सकते हैं, किताब कॉपी लंबी है 2-3 वो रख सकते हैं, ऐसा उपलब्ध साधनों से उस समय हम रोगी को डॉक्टर के पास ले जाने से या डॉक्टर के उसके पास पहुंचने से पहले जो कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ, अब आमतौर पर कैसे उठाते हैं, लेट ये भाई आपने देखा होगा कहीं पर भी ऐसे दंगा फसाद होता है, लाठी चार्ज होती है तो कैसे ले जाते पुलिस वाले भी, दोनों एक तो टांग पकड़ लो, एक हाथ पकड़ लो इधर से, आप उधर जाओ ना सीधे, हाँ पकड़ लो ऐसे, हाँ भाई देखो फिर मुंह कर लिया ना, वो एक काम ऐसे ले जाते हैं, हाँ चलो लेके जाओ आप उस तरफ, ऐसे ही होता है भाई मुंह का, हाँ चलो ले जाओ भाई, कित ले जाओगे, अब क्या होगा, कमर टूटी पड़ी तो दांव तोड़ दो, ना टूटी है तो तोड़ करो, पैड़ी पर जाना तो पैड़ी ला देंगे अड़क के नारे तो फोड़ करो इसने समझ गए, वापिस हाथ टूट गया तो उसकी पट्टी बांधना है, किताब लगा लेना है, चप्पल का सारा लगा सकते हैं, इसमें चप्पल भी थी, कई बार क्या होता है भीड़ में जा करके बैठते हैं तो वो चप्पल एक जगह निकाले आए फिर समस्या होगी, ये कौन उसकी सुरक्षा करेगा वहाँ तो आंदोलन में, तो चप्पल जूते पास में है तो कई ऐसे महानुभाव होते हैं कि वो सॉक्स पहनते हैं या जूते पहने में वो ऐसे होते हैं बस वहाँ कोई आसपास बैठ नहीं सके, तो फिर क्या है पॉलिथीन ले रखा था उसमें डाल के पैक कर रखा था अपने काबू में, छोटी छोटी बातें हैं ये, देखिए भाई है कि नहीं, अब देखिए हाथ टूट गया तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है आप सभी जानते हैं इस स्थिति में लेना, यहाँ से हाथ टूटा है यहाँ से टूटा है वो समझ होना चाहिए, टांग में चोट है
क्या हुआ है वो समझना चाहिए। आपका एयरवे एयरवे जो है क्लियर है कि नहीं है, जीप पलटी हुई है कि नहीं है, श्वास ठीक से आ रहा है कि नहीं आ रहा, उसका एग्जामिन करते हैं, ब्लड सर्कुलेशन ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा है, नाड़ी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है, आपका जो है ना इसी प्रकार से ब्लीडिंग ज़्यादा कहाँ से हो रही है, ज़्यादा ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, वेन तो नहीं कट रही है, ठीक है, आर्टरी तो नहीं जा रही है, उसको देखते हैं तुरंत। उस सबसे पहले क्या काम करेंगे, ब्लीडिंग को रोकना है, एयरवे को खोलना है, ये दो चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है सबसे पहले। ये अगर आपने ऐसा नहीं देखा और आपने अगला कार्रवाई शुरू कर दी, उसकी हाथ टूटा हुआ है और लेकिन ब्लीडिंग कहीं और से हो रहा है या एयरवे जो उसका ब्लॉक हो गया है, धूल चली गई मुंह में, जीप लटी हो गई है, एयरवे बंद हो गया है, तो फिर क्या करेंगे, ठीक है ना, ये बातें देखने की हैं। अब इसी में एक हाथ टूटने की जैसी बात आई थी, आपका हाथ टूट गया मान लीजिए, क्या करेंगे, आपका हाथ टूट गया, उठाओगे इसको और संभालेंगे, देखो ये क्या है, ये अभी ट्रेनिंग नहीं हुई ना, उठ लो भैया, तो इससे क्या होगा, अरे मैं जब अपने आप को ही नहीं संभाल पा रहा हूं तो और क्या संभालेंगे मेरे को, सबसे पहले तो मुझे अपने को संभालना आना चाहिए ना, तो क्या करेंगे, प्रणा बांध के सारा देंगे, और बोलो हथियार से बांधोगे, कपड़े से बांधेंगे, और बोलो भाई, लकड़ी फट्टी टूटते फिरेंगे, चप्पल है, किताब है, अखबार है, जो भी उपलब्ध साधन है वो लगा लेंगे, और बोलो, चिकित्सक के पास, अरे भाई वो अखबार भी नहीं है पास में, पुस्तक भी नहीं है, कोई बांधने के लिए भी दिक्कत आ रही है, तो देखिए अब पट्टी भाई एक हाथ टूटा हुआ है, दूसरा हाथ ठीक है, तो अपना चढ़ा लेने भाई ऐसे ही, ठीक है, इसको यहां ले जाना ऊपर और अपना हाथ लगा लो, ये भी नहीं कर सकते क्या, बैठो, बहुत इंटरेस्टिंग है ये, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत महत्वपूर्ण भी है कि नहीं, आपको अच्छा लगा, तो आज हम कुछ बता नहीं पाए विशेष, ओह कपड़ा नहीं पहना तो दूसरा हाथ तो है ना आपके पास, है कि नहीं, है ना दूसरा, ठीक है, कुछ तो पहना हुआ होगा, और कुछ भी नहीं पहना तो सब कोई बिगाड़ेगा क्या, तो चलो अच्छा ये बताओ, सभा की अनुमति से थोड़ी सी बात और कर लें क्या, कर लें डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात कर लें, धन्यवाद, देखो आंदोलनकारी तैयार हो रहे हैं, इनके लिए एक बार जोरदार ताली बच्चों के, और ये इतने अच्छे बच्चे हैं, किसी को परेशान नहीं कर रहे हैं, स्वयं मस्ती में हैं और कहते हैं मैं हमारी तरह से उछलते कूदते रहो, टेंशन में मत रहो, है कि नहीं, एक बार भी किसी को इन्होंने परेशान नहीं किया, किसी की वस्तु को अस्त व्यस्त नहीं किया, दूसरे की वस्तु कभी इन्होंने अस्त व्यस्त नहीं किया, पानी पीते हैं बहुत सावधानी पूर्वक पीते हैं, हाथों की सफाई रखते हैं, चप्पल जूते बिगाड़ते नहीं है, बल्कि बिगड़े हुए को ठीक कर देते हैं, एसी के पानी को पौधों में डाल देते हैं, जो करता है बच्चों के लिए, और जब इनके सुनने की बात आती है तो बड़े ध्यान पूर्वक सुनते भी हैं और जीवन तो सुन ही रहा है। अच्छा दो बोतल थी पानी की, एक स्टील की और एक ये, इनका क्या मतलब है, एक का तो सिर्फ क्या देखो इस भाई, अब सुनिए शुरू होता मेरा यहां से कार्यक्रम, देखिए आंदोलन में शिविर में कहीं भी समूह में जब इकट्ठे होते हैं तो सोचना आपने बोलना नहीं है,
सबसे महत्वपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? बोलेगा नहीं कोई भी, हाथ ऊपर करना है, सबसे महत्वपूर्ण क्रिया, उसके बिना तो रुका नहीं जाएगा। बाकी सब कुछ घंटा दो घंटा पांच घंटा आठ घंटा भी काट जाएंगे, लेकिन उसके बिना नहीं रुका जाएगा। वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, वो क्या है? ऊपर हाथ के लिए जो सोच लिया। देखो जोरदार ताली। भाई साहब कितना खाना पीना ले बैठे हो, कितना ये औजार ले बैठे हो, ठीक है, और कितने सब कुछ सारी सुविधाएं हो, लेकिन एक चीज बिगड़ जाए, एक चीज अगर बिगड़ जाए, ठीक है, तो सारा सिस्टम सिड़ जाए। एक चीज अगर बिगड़ जाए तो सारा सिस्टम सिड़ जाए। बहुत महत्वपूर्ण है भैया। मेरा आप सभी से निवेदन है, जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं तो कोई भी भाई इस बात का सावधानी रखें, पानी जितनी उपयोगी उसका जितने आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें। एक एक बूंद कीमती है, पानी बहुत दूर से लाना पड़ता है, उसको व्यवस्थित ढंग से चलाना पड़ता है। सायंकाल वॉशरूम में पानी की एक बाल्टी तो है ही वॉशरूम के अंदर, उसको भर करके रखें। एक बात, पानी के लिए एक पीने की बोतल है, उसके अतिरिक्त आपके पास एक बोतल अतिरिक्त रहनी ही चाहिए सुबह के लिए, व्यवस्था करके रखो अपनी। कितनी महत्वपूर्ण है ये, आपको समझ गए होंगे भाई साहब। सब कुछ टाला जा सकता है, ये कई बार कहते हैं एक एक कार्यकर्ता का और उसका गुण है कि टाल मटोल से बचो। टाल मटोल करते रहते ना ऐसे ऐसे, कल कर लेंगे यार, अभी तो बहुत टाइम है यार, देख लेंगे, कोई बात नहीं। जैसे आपने अभी मानव का अध्ययन किया है, बच्चे के बारे में, सभी के बारे में हो गया वो, डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से किया है। तो जो डिले करने वाला है, डिले करते रहते, कोई ना कर लेंगे, वो बिल आखिर से भरेंगे लास्ट डेट में। अब ये बताओ, ऐसे व्यक्ति चांदनी चौक में हैं, बड़े बाजार में दिन के समय दोपहर, और बहुत भयंकर प्रेशर लग गया, भयंकर, और आसपास कोई शौचालय दिख नहीं रहा है, और बस समय नहीं है अब टाल बटोल करने का, क्या करेगा वो, क्या करेगा? जहां भी यथा कथा, जहां भी कहीं भी यत्र तत्र, जहां भी उसको कहीं आड़ मिल जाएगी वो अपना काम कर जाएगा। लेकिन समझदार व्यक्ति है तो इसमें समझ काम करेगी ना या नहीं करेगी, बोलो कैसे करेगी? होटल वाली बात नहीं बताई थी, उदाहरण नहीं दिया था? एक आप में से ही होटल में गया, कमरा 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 देखने के बहाने से अपना काम करके बाहर आ गया, और वो पैसे कहां कहां घूम रहे हैं। तो डॉक्टर के पास जाएगा भागा हुआ, और वो जाते बोले वॉशरूम किधर है, हो रहा करके काम बाहर आएगा, हाँ जी क्या बीमारी थी, बोले बीमारी तो काटे या जब सामान्य दर्द होता है पेट में तो आदमी टाल मटोल करता रहता है, कोई नहीं किसा होगा, न्यू ही हो गया, न्यू ही हो गया, अपेंडिक्स का उठ जाए तो वो टाल मटोल करता है, लेके भागते हैं तुरंत। इसलिए टाल मटोल से बचें, एक शब्द याद रहेगा आपको। इसी प्रकार से आप केवल बोलेंगे थोड़ा थोड़ा और आप उसको पकड़ेंगे, शब्दों को भी, उसके भाव को भी, वास्तविकता को भी, ठीक है। प्रतिकूलता, प्रतिकूलता इस शब्द में एक लाइन पूरी करो, प्रतिकूलता आगे जोड़े कोई भी। एक होती है अनुकूलता, एक होती है प्रतिकूलता।
बढ़िया हो गया। अगला पूर्व 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 योजना पूर्व तैयारी, ठीक है, प्लानिंग बढ़िया। आगे है एक कार्यकर्ता को ड्राइविंग, तैराकी, प्राथमिक चिकित्सा, क्या आ गया बोल दो, ऐसे ऐसी बहुत सारी चीजें हैं वो आप जोड़ सकते हैं। आपदा प्रबंधन, स्वच्छता, स्वच्छता, स्वच्छता से जोड़िए कितनी बातों को आप जोड़ सकते हैं बिना बोले। जहां आंदोलन हो रहा है, जहां हम जा रहे हैं, पानी पी करके बोतलें फेंक रहे हैं, किसी कहीं हलवा मिल रहा था दोनों में, कहीं पानी पिलाया जा रहा था, वो गिलास ऐसे फेंकते जा रहे हैं, पीछे कचरा कर दिया हमने, सीवरेज सिस्टम को फेल कर दिया, तो हम व्यवस्था में बिगाड़ करने वाले हुए कि व्यवस्था को बनाने वाले हुए। ट्रेनिंग में रह रहे हैं, कुछ भी खाते हैं तो उधर फेंक दिया, है कि नहीं। वहां से निकले, एक टब रखा था प्रातः काल फल खा करके, जो उसका वेस्टेज है उसको डालने के लिए, उसी में हमने प्लास्टिक भी डाल दिया, कागज भी डाल दिया, पेन भी डला हुआ था तो छांटा था, किस भाई ने फिर उठाए थे, आप में से बैठे होंगे भैया एक, कितना प्लास्टिक और वो उसने इकट्ठा करके लेके आया बाहर पड़ा हुआ, यानी कि वहां तो बाहर से आज कोई आया नहीं हुआ है, हम ही रह रहे हैं यहां पे। तो स्वच्छता, यहां से अब उठेंगे तो बच्चों ने या किसी ने भी कोई कागज फाड़ा उसको टुकड़ा छोड़ दिया तो आसपास अगर हम उठा लें तो सबको जरूरत नहीं है, गद्दा इधर उधर किया तो उसको ठीक व्यवस्थित कर जाएं तो सबको जरूरत नहीं उसको करने के लिए। एक बार आसपास की पूरी नजर होनी चाहिए, उदय भाई लेकर के आया सामान को, कौन आ रहा है मंच पर जा रहा है, क्या लेकर के आ रहा है, क्या लेकर के जा रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया तीनों को, तीन को छोड़ करके, और उन्होंने बताया नहीं कुछ भी उसके बारे में, किसका है पूछते तो सीधी बात थी, कितनी अच्छी बात भैया ने कही थी कि पहले तो उसी को पकड़ो तो लेके आया है कि नहीं। तो वो तीन भाइयों को तुरंत सजग हो जाना चाहिए था कि भाई आप लेके आए थे, क्या बीमारी है इसमें, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं ऐसे मुख्य मुख्य। बड़ा विषय उसको मैं नहीं छेड़ रहा हूं यहां पे। षड्यंत्र, ये बहुत बहुत आंदोलन बर्बाद किए हैं षड्यंत्रों ने, बहुत बहुत। मौन का मौन भी रह सके, बढ़िया। गुप्तचर, भाई साहब हमने सबसे बड़ा शिविर जो अब तक का लगाया है वो 10,000 विद्यार्थियों का लगाया जो 8वीं से 12वीं तक के थे, जिसमें 4,000 बेटियां थी और 6,000 बेटे थे, लगभग 10,000 का शिविर, 10 दिन का और सर्दी के मौसम में टेंट में था पूरा शिविर। अब 10,000 के लिए शौचालय बनवाना और जंगल में, यह भी आश्चर्य, यानी पक्के टॉयलेट कोई नहीं, कुछ भी नहीं, पूर्व तैयारी कितनी की गई होगी और कितना उसमें एक्सपीरियंस हमें मिला होगा। पूरा टैंकर दूध का आता था, कोई बाल्टी वाल्टी वाला कुछ चक्कर था नहीं, पूरा टैंकर भर के आता था अमूल का, ठीक है।
अब कितना बड़ा सिस्टम होगा, 10,000 कोई इकट्ठे हुए हैं और सुव्यवस्थित 10,000 एक साथ बैठकर के सुन रहे हैं, एक भी बच्चा बौद्धिक के समय टेंट में नहीं है, एक भी सिंगल भी और सबको एक टेंट से मैनेज किया जा रहा है, और कहीं भी चूँ हो रही है तो वही खबर आ रही है और वही सहायता पहुंचानी है तो सहायता जा रही है, वहां चिकित्सा पहुंचाना है तो चिकित्सा जा रही है, उसको वहां से निकालना है तो साइड में चिकित्सा का भी सुन सके ऐसा टेंट साथ में चल रहा है पूरा लंबा। कितने डॉक्टर हैं हमारे पास, किस किस श्रेणी के हैं, यहां पर कौन नेगेटिव बात कर रहा है, किस बच्चे का मन नहीं लग रहा है, कौन बच्चा छोटी हरकत सोच रहा दिमाग में, कौन बच्चा संदिग्ध वस्तु लिए हुए है जिसको शिविर में प्रतिबंधित किया गया है, सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं फटाफट। आप सोच के देखो और एक टाइम पे बैठ करके सारा सिस्टम सामने है, पूरी टीम लगी हुई है और कम्युनिकेशन चल रहा है और समाधान हो रहा है, सभी के नंबर हैं, सभी का सब कुछ है, और सभी को लाठी सिखाना, सभी को नियोदम जूडो कराटे सिखाना, सेल्फ डिफेंस सिखाना, बेटियों का अलग बेटों का अलग, और एक व्यक्ति सिखा रहा है आगे से, स्क्रीन लगी हुई है, सुबह 5 बजे स्क्रीन चालू हो जाती थी बड़ी बड़ी, वो कितना बड़ा मैदान था जिसमें मुकेश खन्ना, खैरनार, ये इस प्रकार के जो लोग थे, अब्दुल कलाम भी उस ट्रस्ट में रहा, बाद में वो कुछ 21 मुद्दों पर जो बात हुई वो अलग हुई, तो इतना बड़ा सिस्टम से काम हुआ, खर्चा कितना आया होगा, कहाँ से मैनेज हुआ होगा देख लीजिए आप। राजकोट के अंदर ये शिविर था, प्रांसला के अंदर। तो देखिए प्रशिक्षण का ट्रेनिंग का जो सारा विभाग था अपने हाथ में था, 156 व्यक्ति थे जो प्रशिक्षण देने वाले, आप जैसे योद्धा थे, वो 156 सारे सिस्टम को देख रहे थे, ठीक है। तो हमको षड्यंत्र का भी बहुत ध्यान रखना है और गुप्तचर विभाग, डॉक्टर साहब वहां बैठे हैं, इतनी मुस्तैदी से बात कर रहे हैं, हर बात वहां पहुंच रही है और उनका तो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि बात कोई ना भी पहुंचाए तो बॉडी लैंग्वेज से भी, बोलने के ढंग से भी, चलने के, खाने के, बहुत सारी बातें, खड़ा होने से सब कुछ पता चल जाता है लगभग। ऐसे हमारे पास मानव के और इन दानों के अंदर तक के सिस्टम को जानने वाले महान विभूति बैठे हैं। जब ऐसा ड्राइवर है इस समय ट्रेनिंग का भी और इस सारे कार्यक्रम का, तो बताओ यात्रियों को भी सजग रहना चाहिए कि या ड्राइवर पर पूरा फेथ कर लेना चाहिए। ड्राइवर को नींद आओ चाहे झटका लागो चाहे पुआ पीता हो बीच में, पूरा फेथ कर लो भाई, हम तो ड्राइवर पर बैठे हाँ, कितना गड्ढा में गिर कितना ले जा। अरे ड्राइवर पर फेथ ना होता तो गाड़ी में क्यों बैठते। लेकिन सजग रहना किसकी जिम्मेदारी है भाई, आपने देखना नहीं कि ड्राइवर ने खाना खाया है कि नहीं खाया है, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती, ड्राइवर सोया कि नहीं, आप तो लटके ले रहे हो फटाफट, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है कि ये भी इसकी भी कोई क्षमता है, इस शरीर की भी कोई क्षमता है कि नहीं। लेकिन हम कितना ध्यान रख पाते हैं, है कि नहीं, हम तो अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर ध्यान देते हैं। हमारे में मान लीजिए कोई बीमार हो गया, रोगी हो गया, तो हम बताने जाएंगे डॉक्टर साहब को, ठीक है, और एक नहीं बताएगा उस बात को, 5-7 बताएंगे, एक बहन आ रही है फिर दूसरा आ रहा है, सारे हल्कामा बचा हुआ कि एक बीमार है और वो बहुत परेशान है और वो रो रहे हैं ऐसा ऐसा है।
अब उनका सारा ड्राइवर का ध्यान डाइवर्ट कर दिया कि नहीं कर दिया? सारे ड्राइवर को जा जा करके कहें, वो गाड़ी चला रहा था और सभी कहें कि एक यात्री उल्टी गिर रहा जी, एक यात्री उल्टी गिर रहा, सारे कह के रुक सक, पानी की कोई घूट देवे नहीं, उसका कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करे नहीं, तो वो भी एक अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और ड्राइवर का ध्यान बटा रहा है तो गाड़ी क्या हो सकती है, हो सकती है कि नहीं हो सकती? हो सकती है। तो संकेत से आप समझ गए होंगे, आगे चलते हैं। तीन व्यक्ति अगर एक विचार के हों और ये विचार हो कि मेरे साथी को कोई नुकसान न हो, मैं भले ही कुछ भी हो जाए, मेरे साथी को चोट नहीं लगनी चाहिए, साथी को कोई आंच नहीं आनी चाहिए, तीन व्यक्ति हो जाएं, मैं कहता हूं जिसे हम भीड़ कहते हैं, सारी भीड़ को आगे कर सकते हैं। हमने ये प्रैक्टिकल करके देखा है, प्लानिंग करके पूरे गांव को आगे कर सकते तीन व्यक्ति। लाठी लेके भागने शुरू कर दो, जो भी था उसे थप्पड़ मारना शुरू कर दो, भागने लग जाएंगे सब, कोई प्रतिक्रिया नहीं आती है, था उसे मारने लग जाओ भाई, भागेंगे सब, अक्के बक्के रह जाएंगे, हैं क्या, सिर पर ऐसे बैंकर बांध रखा, खूंखार रोल बना रखा है, हाथ में कोई तलवार ले रहा है, कोई लठ ले रहा है, कोई गन पिस्टल ले रहा है, भाग जाएंगे कि नहीं भाग जाएंगे भाई? ये जेएसएम के योद्धा नहीं भागेंगे, भाग जाएंगे कैसे, इलाज करके ही मानेंगे। तो एक विचार, इसका मतलब क्या है, एक विचार, ये सूत्र है ना, वो जो तैरने वाली घटना बताई थी मैंने, ऐसे ना चले जाएं भाई, प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल के बिना बात बनेगी नहीं। तो जो मेंटल है उसको मानसिक रूप से प्रैक्टिकल हो रहा है, लेकिन कुछ एक्टिविटी ऐसी हैं जो, अब मान लीजिए नंगे पैर चलने का किस किस का अभ्यास था सड़क के ऊपर जो चलते थे, मान लीजिए ऐसी बढ़िया, और किस किस का नहीं था, पहले मेरे पास कई आए कि जी नंगे पैर तो देखो नहीं चला जा रहा है, बहुत परेशानी हो रही है, अभ्यास हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना पड़ता है भाई, इतनी देर लंबे बैठना, ठीक है, अभ्यास, ये ट्रेनिंग है, सामान्य भोजन में रहना, घर परिवार को छोड़ना, और सबसे बड़ी बात है फोन को छोड़ देना। शरारती तत्वों की, पूरा करो वाक्य, शरारती तत्वों की बैरियर, कांटेदार तार, आंसू गैस, वाटर बोछार, लाठी, गोली, इन सब का ध्यान, इसके साथ साथ अफवाह, अफवाह बहुत खतरनाक है भाई, उत्साह को भंग करने के लिए इतना, आप सोचते हैं कोई भी एकदम आपके अंदर बैठ करके, मैं कहता हूं आंदोलनों में हमने पकड़ा है, क्योंकि कई आंदोलनों में सुरक्षा की भी जिम्मेदारी थी हमारी, पकड़ा है शौचालय साफ करने वालों में सीआईडी के मिले, शौचालय साफ कर रहे हैं सीआईडी का व्यक्ति है, किचन में चला जाएगा, है कि नहीं, आंदोलनकारी बन के आपके बीच में बनियान पहन के बैठ जाएगा, आप तो देख ही रहे हो, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अपना आदमी है, और जय भी भूख जोर से बोल रहा है आपके साथ, और पूरी प्लानिंग भी कर रहा है, आपको कह रहा है। हमारा एक साथी जिसने कोई ऐसा दीपावली के समय में कुछ ऐसी घटना हुई कि पटाखा ब्लास्ट हुआ और वो गिरफ्तार हो गया, गिरफ्तार हो गया, भवन भी गिर गया था, बहुत सारा कुछ हुआ, तो उसमें क्या हुआ,
कि पकड़ने के बाद अंदर चला गया, अंदर चला गया तो वो बहुत जबरदस्त क्रांतिकारी व्यक्ति, गो भक्त भी है, राष्ट्रभक्त भी है और क्रांतिकारी एकदम, आप आश्चर्य नहीं कर सकते, जेल के अंदर एसआई लेवल का व्यक्ति पुलिस का उसके साथ कैदी बन करके रह रहा है ना, वो हवालाती बन करके रह रहा है और इतने घनिष्ठ दोस्ती गांठ ली, और जो जो उसके पास दिमाग खोपड़ी में और योजना में था सारा शेयरिंग कर दिया, और जहां जहां बताया गया वहां वहां पर छापा पड़ा और सब कुछ पकड़ा गया, गोबर से भी पिस्टल निकले, है कि नहीं? इसको कटिंग कर देना डॉक्टर साहब, ये बातें आप ध्यान रखा करो भाई। फोन जो है आप रिकॉर्डिंग के लिए ज्यादा सिरदर्दी लेते हैं, तो जब फोन में रिकॉर्डिंग चलती है तो आपका ध्यान आधा रिकॉर्डिंग में रहता है और आप पूरे अच्छे मुस्तैदी से नहीं सुन पाते, ध्यान बट जाता है वहां से। फोन चलाने की नहीं कर रहा, चला तो कोई रहा नहीं यहाँ पे, मैं कह रहा हूँ कई भाई सोचते हैं कि यार ये बात मैं फिर सुन लूंगा, कुछ नहीं सुना जाता फिर, फिर तो बहुत पड़ा है यूट्यूब पर, सुन लेना भाई। अब ट्रेनिंग का मतलब है आप प्रेजेंट बॉडी और प्रेजेंट माइंड, क्या रहते हैं आधे प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, एब्सेंट रहते हैं आधे, माइंड कहीं घूम रहा है बॉडी यहां पड़ी है, उस लाश का क्या करेगा संगठन भाई, जलाने में लकड़ी और लेके जाएगा वो तो कुछ। तो ध्यान दें, ऐसी स्थिति भी ध्यान रखें, किसी पर ब्लाइंड फेथ भी ना करें। किस लिए शेयरिंग करना है, उस दोस्त बन के बन रहा है तो उसे आप क्यों शेयरिंग कर रहे हो, इसका विषय ध्यान रखना है। इसके साथ साथ मानसिक रूप से कमजोर है, रोगी है, असमर्थ है, फिजिकल फिट नहीं है तो फ्रंट में जाने की उसकी आवश्यकता है नहीं, बहुत सारे विभाग है ना, पीछे किचन है, खाना है और बहुत सारी चीजें व्यवस्थाएं हैं, बहुत बड़ा है। इसी प्रकार से अपना जो किट है उसको भी आप संभाल के रखें। ये बातें तो भाई बहुत लंबी कहानियां हैं लेकिन संकेत में देना चाहता था, शायद आप पकड़ गए होंगे मुख्य मुख्य बातों को, है ना? तो अब आप सभी साथी, मैं कहता हूं कि ये कोई दिखावे के लिए नहीं है, यानी कि बच्चे से लेकर के और हमारे बुजुर्गों तक पूरा मुस्तैदी के साथ, पूरा मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी, वैचारिक रूप से भी, हर तरह से जुड़े हुए हैं और अपने आप को तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम इस मंच से आप सभी का हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आपकी भूरी भूरी उत्साहवर्धन के लिए काम करते हैं। कोई उत्साहहीनता की बात करे तो एक गाड़ी है जो टनों माल लेकर के दौड़ रही है, उसकी हवा निकाल दो, चार कदम नहीं चल सकती। निराशा की बात कोई ना करे, उत्साहहीनता की बात कोई ना करे। तो अब एक बार एक क्रिया करेंगे, दोनों हाथ अपने ऊपर ले लेंगे सिर के, हथेलियां पलट दीजिए, ऊपर खींचिए पूरा बॉडी को, सर्वोत्तम बैठे बैठे थोड़ा दाएं बाएं ऐसे चला लीजिए। जब आंदोलन में जम के बैठ गए और लंबी बात चल गई तो बीच बीच में कर लेंगे, ऐसे हाथों को मोड़ करके खींच लेंगे, ऐसे दाएं बाएं कोने को मोड़ करके खींच लीजिए। इसको बोलते हैं चेंज ऑफ एक्टिविटी। अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाइए, बैठे हैं तो लेट जाइए, लेट हैं तो खड़े हो जाइए, ऐसे एक्टिविटी को चेंज करना है। पैर मुड़े हुए हैं तो सीधे कर दीजिए, सीधे हैं तो मोड़ लीजिए, आप लंबे समय तक चल सकते हैं। एक ही स्थिति में लंबे समय तक रहना बड़ा कठिन हो जाता है। दाएं बाएं भी मरोड़ लीजिए ऐसे थोड़ा सा कमर को, बढ़िया। अपना दाहिना हाथ उठाइए। अच्छा, इस क्लास में आपको मजा आया कि नहीं आया? अच्छा लगा, ठीक है। तो इसी में आया कि पूरी ट्रेनिंग में मजा आया? लेकिन
बड़ा कठिन काम होता है डॉक्टर साहब के बाद बोलना या अपने वर्मा जी के बाद बोलना या अपने संजीव जी के बाद बोलना या दीनबंधु जी के बाद बोलना, बड़ा कठिन होता है। लेकिन आप सभी ने बहुत मुस्तैदी से सुना है तो इसका मतलब आप बड़े विजन के साथ बैठे हैं। तो दयानाथ उठवाया था, नीचे आ गया आपका, अपने राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? बोले हम करेंगे, हम करेंगे। अरे भगवान तुम्हारे मंदिर में एक प्रेम पुजारी, बढ़िया धड़क देने से 5-7 विकेट गिर गया प्रार्थना में। और बोले देश की रक्षा कौन करेगा? बोले हम करेंगे, हम करेंगे। खुद की रक्षा ही टूटी प्ले करेगा देश की रक्षा। 5-4 और लागे रहेंगे, पीटीआई दोस्त को लागे रहे, उन्हें ठाठा के ले जाएंगे, ऊपर तड़ुए में सड़ेंगे, कोई पानी गिर रहे, ये हालत हो रही है भाई। तो चलो कौड़ी मोड़िए और अपनी पीठ थपथपाइए, आई एम ओके, मैं तैयार हूँ, मैं होशियार हूँ, शाबाश शाबाश, बढ़िया बढ़िया, वीर